अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में और आज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आप आ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको अगर आपके पास डिग्री नहीं है और वो अटेस्टेड नहीं है तो आप भूल जाएं कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक फ्रेंड के साथ हो चुका, मेरे साथ भी ऑलमोस्ट होने वाला था, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा था, उसने बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। एक हफ़्ता उसने एक जगह जॉब की, डिग्री उसकी अटेस्टेड नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसको नहीं लग सका। उन्होंने भाई कहा कि आप खैर बाद आप जाएँ, हम कोई दूसरा बंदा रखेंगे। के अलावा क्योंकि इसके एक इम्पोर्टेंट वजह ये मैं आपको बता दूँ, यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जो अनस्किल्ड लेबर क्लास वीज़ा है वो बंद किए हुए, बैन किए हुए, तो सिर्फ स्किल्ड क्लास के वीज़ा लग रहे हैं, और वो भी आपके अगर डिग्री अटेस्टेड होती है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ख्याल रखना है। कहाँ कहाँ से आपकी अटेस्टेशन होनी है, पहले आपकी डिग्री HEC से अटेस्ट होगी, HEC के बाद आपकी डिग्री अटेस्ट होगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी होगी UAE एम्बेसी पाकिस्तान में, जो है कि तीन जगह से पाकिस्तान से हो जाएगी आपकी अटेस्ट, फिर उसके बाद फोर्थ आपकी यहाँ से कॉन्सुलेट जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE दुबई में, यहाँ से होगी। ये चार जगह से अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड है तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग सकता है, वरना आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग सकता। आप यहाँ पर 2 महीने आए, जॉब सर्च करें, टाइम लगाएं, फ्रेंड जब आपको जॉब मिल जाए बिल्कुल आखिरी टाइम पर, फिर वो पॉसिबल है कि आपको जॉब जल्दी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, तो आपके पास टाइम होता है ये सारा सब कुछ डिसाइड करने का। लेकिन अगर आपको जॉब ऐसे टाइम पे मिलती है जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है, विजिट वीज़ा, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मुझे जॉब बिल्कुल आखिर में मिली, लेकिन मैंने अपनी डिग्री अटेस्टेड करवाई हुई थी, जो कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरा वो टाइम बच गया, मेरी वो मुश्किल नहीं हुई मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिग्री आपकी अटेस्टेड बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग सकता, आप भूल जाओ, आपका टाइम ही ज़ाया होगा, आपको जॉब सर्च करने में भी आपको बेकार है। इंडिया के लिए भी हो, उसके लिए भी आपको डिग्री अटेस्टेड चाहिए होती है, आपको स्किल्ड वर्कर के लिए, लेकिन उनके अनस्किल्ड जो लेबर क्लास है उसके वीज़ा बैन नहीं है, वो भी लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल आता है। इवन के डिग्री अटेस्टेड होने के बावजूद भी मेरे मतलब कि मुझे मुश्किल हुई थी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, पाकिस्तान के लिए फिर भी मुश्किल आते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड है कोई इशू नहीं है, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ख्याल रखना है, पाकिस्तान से दुबई आने से पहले आपको ये अपनी ग्रेजुएशन की हो या मास्टर्स की डिग्री हो, ये आपको अटेस्ट लाजमी करवानी है तीनों जगह से जो मैंने आपको मेंशन की है। मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से, फिर UAE एम्बेसी पाकिस्तान से, फिर फोर्थ आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दुबई UAE से।